करियर शब्द का जिक्र होते ही दिमाग में ढेरों सवाल आते हैं, और अगर इन सवालों का समय पर जवाब मिल जाए तो फिर कहना ही क्या, रास्ता चुनने में मदद मिलती है। तो बस हमारी भी पूरी कोशिश है आपके इन सारे सवालों का जवाब आपको मिले और आप अपनी मंजिल तक पहुँचे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से क्विक सपोर्ट चैनल में। तो आइए जानते हैं कि आज आप किस बारे में जानने वाले हैं। देखिए, पढ़ाई जो है वो जिंदगी में एक बेहतर और सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए काफी जरूरी है। अब 10वीं पास करते ही आपको करियर के बारे में सोचना होता है कि आगे जाकर के क्या करें, और उसी हिसाब से आपको सब्जेक्ट चूज करना होता है। वैसे कुछ लोग आगे जाकर के डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग आगे जाकर के इंजीनियर बनना चाहते हैं, और जैसे ही 12वीं पास कर लेते हैं तो अब आपको आगे की पढ़ाई भी करनी होती है। तो इसके लिए कुछ लोग सोचते हैं कि आगे की पढ़ाई बीटेक में करें, लेकिन उससे पहले ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि बीटेक कोर्स क्या है, व्हाट इज बीटेक, बीटेक कोर्स को कैसे किया जा सकता है और बीटेक में क्या पढ़ाया जाता है और इसे करने से क्या क्या आप बन सकते हैं और ये कितने साल का कोर्स होता है, इसके लिए कितनी फीस लगती है और इसके लिए क्या क्या योग्यता चाहिए। तो बहुत सारे इन सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको बीटेक कोर्स की पूरी जानकारी दी जाएगी। बीटेक कोर्स एक बहुत ही पॉपुलर कोर्स है इंजीनियरिंग के लिए। कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 12वीं पास करने के बाद इस कोर्स को करना चाहते हैं और इस कोर्स में ही अपना करियर भी बनाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर बीटेक कोर्स क्या है। बीटेक, जिसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी होता है, जिसे शॉर्ट में बीटेक कहा जाता है, ये एक बैचलर इंजीनियरिंग कोर्स है जो कि पूरे 4 साल का होता है। इंडिया में जैसे कि आपको कंप्यूटर इंजीनियरिंग करना है या सिविल इंजीनियर बनना है तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई एक कोर्स नहीं होता, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि बीटेक कोर्स में आपको जिस भी सब्जेक्ट में पढ़ाई करनी होती है, इंजीनियरिंग करनी होती है, तो आप बीटेक कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इसके अलावा एक और कोर्स होता है जिसका नाम है बैचलर ऑफ इंजीनियर यानी कि बीई, और ये भी सेम कोर्स है जिसे पढ़ करके आप इंजीनियरिंग की डिग्री पा सकते हैं। आइए अब आगे जानते हैं बीटेक के कुछ बहुत ही पॉपुलर कोर्सेज के बारे में। बीटेक इन सिविल इंजीनियरिंग सीई, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सीएसई, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ट्रिपल ई, बीटेक मतलब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग यानी कि एमई, बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी। कोर्सेज के बाद में अगर बात की जाए शैक्षिक योग्यता के बारे में, तो 12th पास होना चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ सब्जेक्ट्स के साथ। 12th में भी कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए बीटेक के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए, तभी आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। अब अगला सवाल है कि बीटेक कैसे करें, आइए जानते हैं। बीटेक में कोई एक कोर्स नहीं होता, इसमें कई सारे कोर्सेज होते हैं, और बीटेक करने के लिए आपको कई सारे गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे जहाँ से आप अपनी बीटेक की पढ़ाई को पूरा कर सकते हैं। ये पढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए आपको मन लगा करके पढ़ाई करनी होगी, तभी आप एक सक्सेसफुल और बेहतर इंजीनियर बन सकते हैं। अब यहाँ पर बीटेक कोर्स करने का कोई एक तरीका तो है नहीं, यहाँ पर आप बीटेक एक प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन देकर के भी डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से बीटेक की पढ़ाई करना हो तो इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना होगा। अब इस कोर्स में खर्चा बहुत ज्यादा आता है, पैसे काफी ज्यादा लगते हैं। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका थोड़ा पैसा कम लगेगा, और वैसे भी हर कॉलेज की फीस अलग अलग कोर्स के हिसाब से होती है, तो अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करना चाहते हैं, इसके लिए कम से कम 1 साल की फीस 1 लाख के आसपास होगी, और बाकी ये एक अंदाजा है, हर कॉलेज की फीस अलग अलग होती है। तो अगर आपको बीटेक में करियर बनाना है तो आगे जा करके मैं आपको कहूंगी कि एंट्रेंस एग्जाम दीजिए जैसे कि आईआईटी, क्योंकि बीटेक हर कॉलेज अपने हिसाब से स्टेट लेवल के एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं कॉलेज में एडमिशन के लिए। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर आप कैसे बीटेक करके इंजीनियर बन सकते हैं। फर्स्ट है 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट के साथ। फर्स्ट है 12th पास करें साइंस सब्जेक्ट से। बीटेक की पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले आपको 12th यानी कि स्कूल की पढ़ाई पूरी करनी होगी, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही आप 10th पास कर लेते हैं उसके बाद आपको साइंस को चुनना होगा, वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स, तभी आप बीटेक में एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आपके 12th में कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए,
दूसरा है बीटेक कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करें। अब 12th पास करने के बाद बीटेक कोर्स करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, या फिर आप चाहे तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि आपको बीटेक कोर्स के लिए कई कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी मिल जाएंगे जिसमें कि आप एंट्रेंस एग्जाम देकर के भी बीटेक कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। जैसे ही आप एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपको आपके मार्क्स जो भी आप एंट्रेंस एग्जाम में लेकर आए हैं उसके आधार पर आपको कॉलेज दिया जाता है, तो आपको उसमें एडमिशन लेना होगा। तो यहाँ पर आपको किस सब्जेक्ट में इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी है वो सब्जेक्ट आप चूज कर लीजिए और एडमिशन ले लीजिए। तीसरा है बीटेक कोर्स की पढ़ाई पूरी करें। कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद आपको अब बीटेक इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करनी होगी। ये पूरे 4 साल का कोर्स होता है, तो अगर आपको अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करनी है तभी आपको आगे जा करके एक अच्छा प्लेसमेंट मिलेगा, जिससे कि आपको अच्छी कंपनी में जॉब मिलेगी और आप एक बेहतर सैलरी भी पा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल कराया जाता है, हर सेमेस्टर में आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स दिए जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना होता है और एग्जाम को पास करना होता है। तो इस तरीके से आप बीटेक कोर्स कर सकते हैं। कई लोग बीटेक करने के बाद सीधा जॉब करते हैं, तो कुछ बीटेक करने के बाद क्या करें सोचते हैं, तो बीटेक करने के बाद आप एमटेक यानी कि इसी फील्ड में मास्टर डिग्री कोर्स भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी वैल्यू और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इन्हीं सारी इन्फॉर्मेशन के साथ हम उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल और हेल्पफुल रहेगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूले। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत सारा धन्यवाद और बीटेक के लिए ऑल द बेस्ट।